मौके पर तो निकल जाएगा नहीं होगा लाइन में रहने वाले, इनके द्वारा कंप्लेन की गई थी कि ये केसरी चाय के अधिकृत विक्रेता हैं, इनके द्वारा ही पैकेट बना करके केसरी चाय के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और इन्हें जानकारी मिली थी कि कोई व्यक्ति यहीं का रहने वाला जो पुरानी तहसील के पीयूष गर्ग हैं, इन्हीं के चाय के बंडलों की कॉपी करके उन्हें उनमें चाय भर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली सिविल लाइन में कॉपीराइट एक्ट और 420 के आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है और उसी के तहत पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान में नकली चाय के रैपर्स और काफ़ी सारी चाय और साथ में पैकेजिंग मटेरियल और अन्य चीज़ें बरामद की हैं। सर कितने आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक? इसमें एक ही नामजद आरोपी है, वो पकड़ा गया है। सर कितना माल बरामद हुआ? 8 कट्टे चाय जिसे नकली चाय उन्होंने बता रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो रैपर्स हैं काफी सारे रैपर्स हैं, लगभग 3 मशीनें बता रहे हैं और 3 मशीनें जिनमें पैकिंग की जा रही थी। कितने कितने का माल होगा सर? ये माल की अनुमानित कीमत मेरे ख्याल से मशीन मिलाकर के लाख। अच्छा सर, किसी कैसे कोई किसी का दबाव नहीं आया, सभी के द्वारा कहा गया है कि ये अच्छा कदम किया है क्योंकि कई सालों से इनको इस व्यापारी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था आर्थिक रूप से।